और जिनको रिन्यू करके बेचा जाता है, और लेने से पहले आपको भी डर लगता है कि क्या ये लैपटॉप जब हमारे पास आएंगे तो ठीक निकलेंगे, जैसे मेंशन किए गए स्पेसिफिकेशन वही निकलेंगे, टूटा फूटा तो नहीं निकलेगा, बहुत पुराना तो नहीं निकलेगा, कैसा होगा पैकेट के अंदर। अगर ये सारा डर आपके अंदर भी है तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेकर के आया हूँ। वे मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है और आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप भी ऐसे किसी लैपटॉप को खरीदते हैं तो आपको क्या लैपटॉप बढ़िया मिलने वाला है, या फिर आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा आपके मन में डर है कि वो खराब निकलेगा, वही होने वाला है। सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दूसरी, ये लैपटॉप मैंने ओपन करके चेक कर लिया है, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हैं तो हमें उसका वीडियो जरूर बना लेना चाहिए ताकि अंदर कुछ टूट फूट ना हो। फिर भी मैंने इसको दोबारा से पैक कर दिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये किस कंडीशन में और कैसी पैकिंग में हमारे पास आया था। लेकिन इसके गले में आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने कौन सा लैपटॉप अमेज़न से बाय किया है। तो अगर आप यहाँ पर वेबसाइट पर देख रहे हो तो यहाँ पर ThinkPad T Series T450 मैंने बाय किया है। इसके कई सारे मॉडल्स अवेलेबल है जिसमें आपको 8GB रैम, 16GB रैम और अलग अलग कैपेसिटी की हार्ड डिस्क और SSD के साथ ये मिलने वाला है। 14 इंच का लैपटॉप है और फिलहाल जो मैंने वर्जन बाय किया है ये 4GB रैम और i5 5th generation प्रोसेसर वाला लैपटॉप है। जिन्हें आप रियूज्ड लैपटॉप देखते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है प्रोडक्ट विल बी इन रिफर्बिश्ड कंडीशन एंड वे हैव अ फ्यू विजिबल साइंस ऑफ अर्लियर यूज। कहने का मतलब ये है कि आपका लैपटॉप पुराना दिख सकता है, उसमें स्क्रैचेस हो सकते हैं और ये यूज होगा तो आप नए जैसी एक्सपेक्टेशन ना करें। तो मन में डाउट आता है कि क्या भैया एकदम कूड़ा मिलने वाला है या खराब मिलने वाला है, अभी इसके अंदर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर 6 मंथ की आपको वारंटी मिलने वाली है। आप भी सोचते होंगे कि अगर मैंने ऑनलाइन बाय कर लिया है रिफर्बिश्ड तो सेलर को कॉन्टेक्ट कैसे करें। आपको अमेज़न को कॉन्टेक्ट करना है और अमेज़न ही आपको आगे का रास्ता बताएगा, क्योंकि ये चीज आपने अमेज़न से खरीदी है। फिलहाल हम देखते हैं कि हमको जो प्रोडक्ट मिला है वो कैसा मिला है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं उनकी अलग से अपनी पैकिंग और पैकिंग काफी बढ़िया यहाँ पर उन्होंने करी है, बहुत बढ़िया कंडीशन में पैकिंग की गई है और काफी मजबूत गत्ते हुए इसको पैक किया गया है। इसके बाद आप अंदर जाते हैं तो अंदर भी इन्होंने काफी ध्यान रखा है इसकी सेफ्टी का, और हमें यहाँ पर लैपटॉप का चार्जर देखने को मिलता है एक अलग सेक्शन में, और यहाँ पर काफी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ हमको ये लैपटॉप देखने को मिलता है। ये एक तरह का मटेरियल है जिसमें एयर भरी हुई है और ये ऐसे पटकने पर फेंकने पर भी इसके अंदर के आइटम में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो पैकिंग के मामले में तो थम्स अप है। इसके बाद जब हमने इसको खोला तो हमें अपना मेन लैपटॉप यहाँ पर मिला जो कि कुछ ऐसा था, और आपको जो पिक्चर में दिखाया गया था अमेज़न में वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब बात करते हैं कि ये किस कंडीशन में हमें मिला है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो तो ये बिल्कुल क्लीन है और फॉर्चुनेटली इसमें बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इन्होंने इसको रिफर्बिश करते समय काफी सारे इसके जो ओरिजिनल स्टिकर्स थे उनको हटा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अपने जो भी इसको सेल कर रहे हैं रैंक पीसी करके एक कंपनी है जो इसको सेल कर रही है, और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने 4GB रैम लिखा हुआ है, 500GB हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, और यहाँ वारंटी इन्होंने स्टार्ट कर दी है 4/2023 से, इससे 6 महीने के आगे के पीरियड तक आपको वारंटी मिलने वाली है। और यहाँ पर लिखा हुआ है रिफर्बिश्ड बाय rentofpc.com और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो अगर इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया है तो फिर हमें अमेज़न से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है, इन्होंने बैटरी वगैरह भले ही रिप्लेस करी हो, दूसरी डाली हो और कुछ अंदर के पार्ट्स भी रिन्यू किए हो, लेकिन इन्होंने कहीं भी खोलने का सिस्टम नहीं रखा है। उन्होंने मेंशन भी किया है कि अगर आप विद इन 6 मंथ पीरियड में इसमें कुछ भी चेंजेस कराते हैं या फिर इनके जो सील स्टिकर थे इसको हटाते हैं तो ये 6 महीने की वारंटी है ये भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इन्होंने वैसे भी इसको ओके करके भेजा है जो स्पेसिफिकेशन आपने इनसे मांगे थे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो वहाँ से एक स्क्रू अभी मुझे दिखा था जो मिसिंग है। जी हाँ, बुरे वाला स्क्रू अगर आप देखें तो मिसिंग है, खोलने में ये शायद लगाने से रह गया होगा, इसमें है हो सकता है दूसरे पिंक्सी में ना हो।
और ऊपर भी अगर आप देखें तो बिल्कुल क्लीन है, स्क्रेचेस नहीं है, सारे पोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये काम करते हैं कि नहीं ये हम चेक करेंगे, और कंडीशन काफी बढ़िया है। यहाँ तक कि इन्होंने बैटरी को हटाने के लिए भी एक सील लगा रखी है, जिससे हम बैटरी भी ना रिप्लेस कर पाए, ना हटा पाए, ना निकाल पाए, तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। अब अंदर की कंडीशन की बात करते हैं, इसको खोलने पर बिल्कुल क्लीन स्क्रीन दिख रही है, और ये 180 डिग्री का लैपटॉप है। ये देखिए काफी बढ़िया लैपटॉप है और कंडीशन भी काफी बढ़िया है। ये देखिए, सो जिस प्राइस रेंज में रिफर्बिश्ड दिया गया है, फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका बड़ा कमाल का लग रहा है। देवेंद्र का माल मसाला देखते हैं क्या मिलने वाला है। और यहाँ पर इन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, जो इसका लेनोवो का स्टिकर था वो सारे इन्होंने हटा दिए हैं। बात करें अगर इसके चार्जर की, तो हाँ ये लेनोवो का ओरिजिनल चार्जर है, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में हमको मिला हुआ है। हम इसको ऑन करते हैं, ऑन हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो मुझे पीस मिला है ये 14,500 का मिला है। मैं वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको इसको चेकआउट करना है तो उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको इसकी और ऐसे ही और लैपटॉप्स की डिटेल भी वहाँ मिल जाएगी। दोस्तों लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है, और इसमें विंडोज 7 की जगह इन्होंने विंडोज 10 दी है, जो कि हमारे सामने खुल चुकी है। और अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क इन्होंने मेंशन की थी और रैम, क्या वो वैसी ही हमें मिली है। यहाँ पर हमारे पास पूरा डिस्क्रिप्शन आ चुका है। ये लैपटॉप है इंटेल कोर i5 5300U, यानी कि जो फिफ्थ जनरेशन यहाँ मेंशन किया हुआ था, जो मॉडल सेम हमें यहाँ पर मिला हुआ है, और रैम भी हमें पूरी 4GB की यहाँ मिल रही है। हमें दो ड्राइव्स यहाँ देखने को मिल रही हैं, 227 और 227 के आसपास, यानी कि हमें टोटल 250-500 GB की हार्ड डिस्क भी देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो लैपटॉप भेजा गया है जिस स्पेसिफिकेशन पर मेंशन करके, सेम हमें यहाँ पर मिले हैं। बस वो एक स्क्रू जो कसने से शायद रह गया हो उसको छोड़ दें, तो हमें बहुत बढ़िया कंडीशन में ये मिला है। थोड़ा सा टाइपिंग करके देख लेते हैं इसके कीबोर्ड की परफॉर्मेंस भी, कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो कीबोर्ड की सारी बटन्स भी बिल्कुल न्यू कीबोर्ड की तरह मक्खन चल रही है, और कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ किसी भी तरह की देखने को नहीं आ रही, ना ही बॉडी में कहीं हमें डेंट मिल रहा है। कैमरा भी हमें सामने बिल्कुल ठीक ठाक मिला है देखने को। पोर्ट्स की अगर बात करें तो एक बार चेक कर लेते हैं इसके USB पोर्ट्स वगैरह काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक पेन ड्राइव है, एक एक करके हम इसको हर पोर्ट में लगा के चेक करेंगे। तो ये मैंने पहले वाले पोर्ट में लगाया, जी हाँ डिटेक्ट हो गई, आवाज भी आ गई। ये देखिए दूसरे वाले में लगाते हैं, ये भी बहुत बढ़िया परफेक्ट काम कर रहा है। और एक यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये हाँ तीनों पोर्ट परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अगर आप इसको अच्छे से चेक करके और पढ़ के फिर ऑर्डर करेंगे, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको ये ऑनलाइन रिफर्बिश्ड लैपटॉप, फिलहाल मैंने अमेजोन से मंगाया, तो मैं अमेजोन पर रिकमेंड करूँगा, आप मंगा सकते हैं, आपके सामने रिजल्ट है। तो जो लैपटॉप अभी ये वाला अगर नया आप लेते तो शायद 50,000 के आसपास मिलता, 14,000 में अगर आपको मिल रहा है, कंडीशन बहुत अच्छी मिल रही है, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, और साथ में 6 महीने की गारंटी आपको मिल रही है, तो ये घाटे की डील नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आप भी रिफर्बिश्ड लैपटॉप मंगवाना, तो मैंने लिंक दिया है, मैंने पहले भी बता दिया, आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाकर भी। फिलहाल हमारे टेस्ट में ये प्रोडक्ट पास हुआ। दोस्तों इस वीडियो के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर अभी भी मन में कोई डाउट आ रहा हो तो क्वेश्चन कर लीजिए, कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।